हेलो स्टूडेंट्स, हियर आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर 7, वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। तो ये चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था ना, वेदर क्लाइमेट, वेदर कॉमा क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट हमने स्टार्ट किया था, जहाँ पे हमने जाना कि अलग अलग जगह का जो टेम्परेचर होता है, अलग अलग जगह का जो मौसम होता है वो अलग अलग होता है, और साथ ही साथ इसमें रहने वाले जानवर भी अलग अलग होते हैं। हमने देखा कि कैसे किसी जगह इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है और किसी जगह बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, टेम्परेचर अलग अलग होता है, कहीं किसी एरिया में बारिश बहुत ज़्यादा होती है और किसी एरिया में बारिश बहुत कम होती है, किसी में मीडियम होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने जानी, और हमने जाना कि एक रेनफॉल को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, और उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता है, रेन गेज कहा जाता है। और इसकी और जो वेदर से रिलेटेड जो स्टडी की जाती है वो कौन से डिपार्टमेंट में की जाती है, गवर्नमेंट के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, है ना। और जो इसकी स्टडी करते हैं, वेदर की स्टडी करने वाले को क्या कहा जाता है, जो वेदर की स्टडी करते हैं साइंटिस्ट, उन्हें क्या कहा जाता है, मेट्रियोलॉजिस्ट। ओके, एंड स्टडी ऑफ वेदर इज नोन एज मेट्रियोलॉजी। तो और जो इसकी स्टडी करता है उसे मेट्रियोलॉजिस्ट उसे हम कह देते हैं। तो हमने ये सारा चीज़ पढ़ लिया था, हमने यहाँ पे कंपेयर किया था श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर में प्रेजेंट है, त्रिवेंद्रपुरम और जो तिरुवनंतपुरम जो कि केरला में प्रेजेंट है, इसकी हमने बात करी थी। इन दोनों को हमने क्या किया था, कंपेयर किया था, देखा, हमें कंपैरिजन से हमें पता चला कि जो कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर जो एरिया है वो काफ़ी ठंडा होता है, जबकि तिरुवनंतपुरम जो है केरला का वो इसके कंपैरिजन में काफ़ी हॉट है, काफ़ी टेम्परेचर वहाँ पर ज़्यादा है, हमने ये देखा था। ठीक है, तो आज जो हमने स्टार्ट करना था, आज हमने जानना था हम पोलर एरिया के बारे में एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में हमने आज पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, टुडेज टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट विथ एक्टिविटी 7.2। सो टेक एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड। आपने क्या करना है, एक मैप लीजिए जिसमें वर्ल्ड मैप बना हो। मार्क द पोलर रीजन इन ब्लू। तो आप क्या कीजिए ना, आप जो जो पोलर रीजन बताए गए थे ना बेटा, आपको पोलर रीजन कौन कौन से बताए गए थे, जो पोल्स के नज़दीक रहते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो कुछ कंट्रीज आपको दी गई थी जैसे कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन यूएसए एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया। तो इनको आप ब्लू कलर से मार्क कर दीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पोलर एरियाज हैं और हमसे कहा गया है कि पोलर एरियाज को ब्लू कलर से मार्क कर दीजिए। ओके, फाइंड कीजिए इन कंट्रीज को वर्ल्ड मैप में और उसके बाद इसे मार्क कीजिए। ओके, एंड सिमिलरली मार्क द ट्रॉपिकल रीजन इन रेड। और जो ट्रॉपिकल रीजन कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल्स कौन कौन से दिए थे, इंडिया जैसे कि हमारी कंट्री, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केनिया, युगांडा एंड नाइजीरिया। तो इनको रेड कलर से मार्क कर दीजिए, यानी कि जो पोलर एरियाज आपको नज़र आ रहे हैं उन पोलर एरियाज को मार्क कर दीजिए ब्लू कलर से, और वो एरियाज जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नाम से हम जानते हैं, जहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हम कहते हैं, उनको किससे मार्क कर दीजिए बेटा, उसको रेड कलर से मार्क कर दीजिए। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट द पोलर रीजन्स। पोलर रीजन्स की हम बात करते हैं, तो द पोलर रीजन्स प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट। तो जो पोलर रीजन होता है वो बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेट में, बहुत ही ज़्यादा ठंड में हम कह सकते हैं, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। दीज रीजन्स आर कवर्ड विथ स्नो। ये जो रीजन्स होते हैं ना, जो ये जगह होती है, बिल्कुल बर्फ से, स्नो मीन्स बर्फ होता है ना, बर्फ से घिरी हुई रहती है, एंड इट इज़ वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। यहाँ पे को बहुत पूरे, मतलब कि ज़्यादातर साल के ज़्यादातर महीनों में, साल के ज़्यादातर पार्ट्स में यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, क्योंकि बर्फ पड़ती है, बर्फ होती है, बर्फबारी होती है, तो कितना ठंडा होता है ना, कितनी ठंड पड़ती है बर्फबारी होने से पहले और उसके बाद भी। तो वैसे ही यहाँ पे इन पोलर रीजन्स में तो बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, यहाँ तो थोड़ी बहुत होती है लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। तो काफ़ी पूरे साल के, मतलब कि पूरे ईयर के कुछ पार्ट्स तक, मतलब कि 6-7 महीने तक यहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है। तो फिर बोल रहे हैं कि फॉर 6 मंथ द सन डज नॉट सेट एट द पोल। अब देखिए, पोल्स की ना एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ क्या होता है, फॉर 6 मंथ द सन डज नॉट सेट एट द पोल्स, वाइल फॉर द अदर 6 मंथ द सन डज नॉट राइज।
6 महीने तो सूरज उगा ही रहता है, 6 महीने सूरज अस्त नहीं होता है, और अस्त होने के बाद फिर अगले 6 महीने तक वो उदय नहीं होता, मतलब कि सनराइज भी 6 महीने तक सनराइज ही रहता है, और नेक्स्ट 6 महीने, नेक्स्ट 6 मंथ में क्या होता है, सनसेट ही रहता है, मतलब 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात ऐसी जगहों में होती है। कितना इंटरेस्टिंग है ना, पूरे 6 महीने तक दिन ही दिन होता होगा, दिन मतलब लाइट ही रहती है वहाँ पे, को सनलाइट ही रहती है, जैसे कि अभी हम हैं मॉर्निंग टाइम पे, तो वैसे ही वहाँ पे हमेशा ऐसे ही रहता है, और फिर अगले 6 महीने के लिए बस रात ही रात, अंधेरा ही अंधेरा वहाँ देखने को मिलता है इन पोलर एरियाज में इन विंटर। अब विंटर के टाइम पे क्या होता है, द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -37 डिग्री सेल्सियस, तो -37 डिग्री सेल्सियस में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है बेटा, तो ये कितना हो जाता है विंटर सीजन में, जाड़ों में टेम्परेचर इतना कम हो जाता है और माइनस में हो रहा है। एनिमल्स लिविंग देयर हैव एडेप्टेड टू दीज सेवरल कंडीशन, तो क्या हम ऐसी जगह पर रह सकते, तो अगर हम तो सोच के ही डर लग रहा है कि इतनी ठंड में हम कैसे रहेंगे, लेकिन ऐसी जगहों में रहने वाले एनिमल इन्हीं जगहों में रह सकते हैं, अगर उन्हें थोड़ा सा टेम्परेचर, आपको ऐसा लगेगा ना कि इसको बहुत ठंड हो गई है, चलो दूसरी जगह लेके जाते हैं, तो वहां ही सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वहां उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि उनका एडेप्टेशन यही होता है, अनुकूलन, वो ऐसे ही जगह के लिए बने हुए हैं, यहाँ पे वही एनिमल पैदा होंगे, यहाँ पे वही एनिमल सर्वाइव कर पाएंगे जो ऐसी जगहों के लिए बने हुए हैं। अब ऐसी जगहों के लिए बने हुए का मीन्स उनकी बॉडी ही ऐसी होती है कि उनको ऐसी जगहों में ही रह पाते हैं, बाकी अदर जगह अगर थोड़ी सी गर्मी वाली जगह में लेके जाएंगे तो इनकी बॉडी की वजह से इनको और ज्यादा गर्मी लगेगी, हो सकता है ये वहां पे उनकी डेथ भी हो जाए, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि चलिए देखते हैं, लेट अस सी हाउ दे आर एडेप्टेड बाय कंसिडरिंग द एग्जांपल्स ऑफ पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स। तो चलिए देखते हैं कि पोलर बियर और पेंगुइन्स, जो कि इसी टाइप के बहुत ठंडे एनवायरमेंट में रहते हैं, तो वो कैसे खुद को एडेप्ट करते हैं, कैसे वो एडजस्ट करते हैं उस एनवायरमेंट में, इतने ठंडे टेम्परेचर में वो कैसे जिंदा रहते हैं, कैसे वो अपने बाकी के काम करते होंगे, तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो लेट्स स्टार्ट विथ पोलर बियर। तो पोलर बियर हैव वाइट फर सो दैट दे आर नॉट इजीली विजिबल इन द स्नोई वाइट ग्राउंड। अब देखिए, बर्फ पड़ी होगी तो चारों तरफ क्या होगा, वाइट वाइट, जब बर्फ पड़ती है, आपने देखा है ना, जब बर्फ पड़ती है तो कितना ज्यादा पूरा वाइट वाइट हो जाता है, तो अगर ऐसा होगा ना कि बर्फ ही बर्फ होगी, तो पोलर बियर भी बर्फ जैसा ही होता है, उसके भी जो फर होते हैं ना वो बिल्कुल व्हाइट कलर के होते हैं, और स्नो में वो दिखाई नहीं देता है, स्नो के व्हाइट बैकग्राउंड में वो दिखाई ही नहीं देता है। अब देखो इसका फायदा क्या है, उसके स्नो के जैसे व्हाइट कलर के होने का फायदा क्या, अगर वो कहीं और होता तो दूर से ही दिखाई देता और लोग उसे क्या करते, परेशान करते, या जो उसका शिकार, जो उसको शिकारी होता, जो उसको वो चाहिए, तो वो जल्दी से उसे मार देता, लेकिन यहाँ पे उसका फायदा क्या है ना, वो अपने जो, या जो दूसरे जानवर हैं वो उसे मार देते जो उसको खाते हैं, तो यहाँ पे उसका फायदा ये होता है कि अब वो व्हाइट कलर का होता है, स्नो जैसा ही होता है, तो पता ही नहीं चलता है कि स्नो है या पोलर बेयर है, तो इसलिए कोई भी शिकारी उसका शिकार नहीं कर पाता, मतलब वो बच जाता है काफी टाइम, वो इसी वजह से बच जाता है। तो चलिए जानते हैं, इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम दे आर प्रिडेटर्स। ओके, प्रिडेटर मीन्स शिकारी या हिंसक जानवर कहा जाता है। तो ये क्या करता है, ये जो इसके व्हाइट फर होते हैं व्हाइट कलर के, ये इसको क्या करते हैं, प्रिडेटर से उसको बचाने का काम करते हैं। प्रिडेटर मीन्स हिंसक जानवर, और जो उसको मारता है शिकारी। इट ऑल्सो हेल्प्स दैम इन कैचिंग देयर प्रे, और साथ ही साथ ये जब ये किसी को मारना चाहेगा, जब इसे भूख लगेगी, किसी दूसरे जानवर को ये पकड़ना चाहेगा, या जो भी इसका फूड है उसे पकड़ना चाहेगा, उसको भी तो नहीं पता चलेगा ना कि पोलर बियर आ रहा है, क्योंकि वो भी तो बर्फ में ही है, व्हाइट कलर का है, तो अचानक से उस पर हमला कर देता है। प्रे मीन्स शिकार, अपने शिकार को भी इजीली कैच कर सकता है विद द हेल्प ऑफ देयर व्हाइट फॉर। ओके, कौन, पोलर बियर्स के जो व्हाइट फर्स होते हैं वो उनको हेल्प करते हैं कि वो प्रे को, अपने शिकार को इजीली कैच कर सकें। ओके, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। अब इनको बहुत ठंडे से, अब देखो -37 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर है, मतलब जिसका आप सोच ही नहीं सकते, इतना ठंडा है, बिल्कुल हड्डियां जमा देने वाला, लेकिन ये क्या करता है, इनको इस एक्सट्रीम कोल्ड से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट में संरक्षण करना या बचाना, तो बचाने के लिए दे हैव
टू थिक लेयर्स ऑफ फर। इनके जो फर्स होते हैं ना, ऊन हम कह सकते हैं, या इनके जो बॉडी के जो हेयर्स होते हैं, वो टू लेयर में, दो थिक लेयर में, दो मोटी मोटी लेयर इनकी होती है इसमें। दे ऑल्सो हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन, और साथ ही साथ इनकी स्किन के अंदर एक लेयर होती है, फैट लेयर होती है, ठीक है, मोटी लेयर होती है। इनफैक्ट दे आर सो वेल इंसुलेटेड दैट दे हैव टू मूव स्लोली एंड रेस्ट ऑफन टू अवॉइड गेटिंग ओवर हीटेड। तो पता है आपको, ये इनकी बॉडी कुछ इस तरीके से होती है ना, इनको ठंड लगती ही नहीं है, क्योंकि दो मोटी मोटी लेयर हैं इनकी बॉडी में फर की, जो कि इनको गर्माहट देती है। साथ ही साथ एक फैट की लेयर है, वो भी इन्हें गर्माहट देते हैं। तो पता है क्या, इनको ठंडा नहीं लगता, ये बिल्कुल आराम से वेल इंसुलेटेड, मीन्स गर्माहट वाला इनकी बॉडी होती है। तो कभी कभी इनको इस -37 डिग्री में भी ना गर्मी हो जाती है। अब सोचो, इतने ठंडे में भी उसको गर्मी हो जाती है कभी कभी। तो फिर ये क्या करता है ना, धीरे धीरे चलता है। अगर ये तेज चलेगा, पोलर बियर जो है, अगर ये तेज चलेगा, तो तेज चलने से, देखो जब हम दौड़ते हैं या तेज चलते हैं तो गर्मी हो जाती है ना, होती है, नहीं होती है, तो वैसे ही इसको भी हो जाती है। तो ये क्या करता है कि मुझे ज़्यादा गर्मी ना हो जाए, इसलिए धीरे 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 चलता है, ताकि जब हम धीरे धीरे चलते हैं तो हमें पसीना वगैरह नहीं आता है, हमें गर्मी नहीं होती है। लेकिन अगर हम जल्दी जल्दी चलते हैं, दौड़ दौड़ के चलते हैं, तो उस टाइम पे ओवर हीटेड हो जाती है ना, बॉडी हीट हो जाती है, तो उस वजह से गर्मी लगती है। तो ऐसा ही उसके साथ भी होता है। तो इसको पता है मेरे साथ ऐसा होता है, क्योंकि मेरी बॉडी तो इतनी अच्छी खासी है, और मेरी बॉडी तो बहुत ज़्यादा थिक फर वाले हैं, यहाँ पर ठंडा नहीं होना है, तो इसलिए वो आराम आराम से चलता है और रेस्ट करते हुए चलता है, ताकि बहुत ज्यादा हीट वो ना हो जाए, ठीक है। तो फिजिकल एक्टिविटीज ऑन वार्म डेज नेसेसिएट कूलिंग। तो जो फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं इसकी, वो क्या करती है, इसको ठंडे के लिए, ठंडा मतलब जरूरी है कि ठंडा हो, ठीक है, मींस कि ज़्यादा गर्मी से ना पड़े। सो द पोलर बेयर गोज़ फॉर स्विमिंग। अब ये क्या करता है, स्विमिंग भी करता है पोलर। अब सोचो, पोलर बेयर स्विमिंग भी कर रहा है, तैरता भी है, इसे तैरना भी आता है। इट इज़ अ गुड स्विमर, ये अच्छा तैराक होता है, अच्छा तैराक ये है। इट्स पॉज, पॉज मीन्स पंजे, पंजे होते हैं ना जो, इट्स पॉज आर वाइट, ये वाइड होते हैं, चौड़े होते हैं और लार्ज। इट्स पॉज आर वाइट एंड लार्ज, चौड़े होते हैं और लंबे होते हैं। विच हेल्प इट नॉट ओनली टू स्विम वेल बट ऑल्सो वॉक विथ ईज इन द स्नो। अब जो इसके ये बड़े बड़े जो पैर हैं, ये जो बड़े बड़े वाइट जो पंजे हैं, वो सिर्फ इसको स्विमिंग में ही हेल्प नहीं करते हैं, तैरने में ही हेल्प नहीं करते हैं, बल्कि इसे ईज मीन्स आराम से, इसको आराम से स्नो में चलने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है, ईजीली, बिना फिसले, बिना किसी प्रॉब्लम के, आराम से इसको क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी इसको हेल्प करते हैं, ओके। इट्स क्लोज एंड वाइल्ड स्विमिंग अंडर वाटर। जब भी स्नो में स्विमिंग कर रहे होते हैं, तो बहुत आराम से, और वॉकिंग में भी इसको हेल्प करते हैं। इट कैन क्लोज इट्स नोस्ट्रिल्स। अब देखिए, आपने देखा होगा, जब आपने स्विमिंग कॉम्पिटिशन आपने देखा होगा, जब आता है टीवी में, आपने देखा होगा, या किसी को स्विम करते हुए आपने देखा होगा, तो लोग क्या करते हैं, नाक बंद करते हैं ना पहले, फिर नीचे डुबकी लगाते हैं, है ना। तो पता है, इसको भी पता होता है ऐसा, पोलर बियर को भी ये पता है कि ऐसा करते हैं, ये ऐसा भी करता है। इट कैन क्लोज इट्स नॉस्ट्रिल एंड कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। अपने नॉस्ट्रिल को कवर करके ना, बहुत देर तक पानी के अंदर भी रह सकता है, ठीक है। कितना इंटरेस्टिंग है ना, बिल्कुल ह्यूमन जैसा ही नहीं है ये, इसको तैराकी भी आती है, ये आराम से स्नो में चल रहा है, और साथ ही साथ अपने नोस्ट्रिल को कवर करके, जैसे ह्यूमन बींग्स पानी के अंदर डुबकी लगाने के लिए नाक बंद करते हैं, हम तो थोड़ी देर तक ही कर पाते, फिर बाहर आ जाते, ये लंबे टाइम तक रह सकता है ऐसे ही, ठीक है। सो इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल सो दैट इट कैन कैच इट स्प्रे फॉर फूड। तो अब ये ना, इसके सूंघने की जो शक्ति होती है, इसमें सेंसिंग जो स्मेल होती है, बहुत अच्छी, बहुत स्ट्रॉन्ग इसके पास होती है। तो जब भी इसका शिकार आ रहा होता है ना, जिसको ये खाता है, जब इसका प्रे इसके आसपास होता है, तो इसको सूंघ के इसको पता चल जाता है कि हाँ, आज तो मेरा खाना आ गया, और फिर उसे क्या करता है, फूड के लिए उसे कैच कर लेता है, उसे मार देता है, ओके। वी कैन अंडरस्टैंड द एडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट शोन इन फिगर 7.3। तो 7.3 में हमें पोलर बियर के एडेप्टेशन के बारे में बताया गया है। तो चलिए जानते हैं कितना अच्छा और कितने वेल मैनर तरीके से ये चार्ट आपको दिया गया है, कि आपको एक बार अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक बार देखते हैं, ये हमें बताया गया, ये पोलर बियर कुछ इस तरीके का होता है। देखिए, भालू तो है ना,
तो पोलर बेयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि पोलर रीजन में रहता है। ओके तो चलिए देखते हैं। इसके अभी यहाँ पे ग्रीनिश दिख रहा है लेकिन व्हाइट कलर का फर इसमें होता है। तो द व्हाइट फर इज नॉट इजीली विजिबल इन द स्नोई व्हाइट बैकग्राउंड। रह कैसे पाता है उस जगह में, तो ये कैसे रहता है? सबसे पहला फायदा तो इसका ये है कि इसके पास होते हैं व्हाइट फर जो कि थिक होते हैं, है ना, और साथ ही साथ ये जो व्हाइट कलर के फर हैं इनकी वजह से ये बर्फ में इजीली दिख नहीं पाता है। अब दिख नहीं पाता है तो कोई इसे मार नहीं पाता है इजीली। ओके तो बोल रहा है इट्स प्रिडेटर एंड प्रे आर अनेबल टू सी इट। इस वजह से क्या होता है, इसके जो प्रिडेटर हैं और जो प्रे है, मतलब कि इसका जो शिकारी है और इसका जो शिकार है, दोनों ही इसको देख नहीं पाते हैं। ओके साथ ही साथ इट हैज टू थिक लेयर ऑफ फर। इसकी जो बॉडी में फर है उसमें दो मोटी मोटी लेयर्स हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, दीज कीप इट वॉर्म इन कोल्ड वेदर। ठंडे सीजन में भी, ठंडे मौसम में भी ये इसको गर्म करके रखते हैं। ओके नाउ देखिए एरो लगा रखा है बेटा, एरो के हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। इसका एरो ये, तो इसकी वजह से ये फायदा होगा। इसका एरो ये, तो इसकी वजह से ये फायदा होगा। अब इसका एरो ये है ना, तो चलिए देखते हैं। इट हैज अ लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन। तो इसकी स्किन के अंदर इसके पास एक क्या होता है, फैट की लेयर होती है। ये क्या करता है, द फैट इंसुलेट्स इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप्स इट वॉर्म। तो फैट क्या करती है, इसकी बॉडी को ठंडे से बचाती है, हीट प्रोवाइड करती है, जिससे कि ये और इसकी बॉडी क्या रहे, पोलर बेयर की बॉडी गर्म रहे, है ना। तो चलिए आगे जानते हैं और क्या है इसके पास। इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। सूंघने की जो कैपेसिटी है, जो सेंसिंग कैपेसिटी है स्मेल की, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसकी होती है। तो ये किसमें हेल्प करता है, इट हैज द बेयर टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे। तो ये है बेयर को उस जगह में जाने के लिए और साथ ही साथ अपने प्रे को, शिकार को पकड़ने के लिए हेल्प करता है। ओके नाउ इट हैज लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज। इसके लॉन्ग कर्व्ड शार्प क्लॉज इसके होते हैं। क्लॉज मीन्स की जो पैरों में जो उंगलियां टाइप्स होती है ना, ये वाला जो इस टाइप का जो होता है, लॉन्ग अच्छे होते हैं इसके, कर्व्ड क्लॉज होते हैं। और दीज हेल्प इट टू वॉक ऑन आइस। तो ये इसको हेल्प करते हैं आइस में, यानी कि जो बर्फ है उसमें वो आराम से वॉक करने में इसको हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा पोलर बेयर के बारे में। हमने कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें जानी पोलर बेयर के बारे में। हमने कहा कि पोलर बेयर पोलर रीजन्स में रहता है, ये वाइट कलर का होता है और इसके जो वाइट कलर के जो फर हैं उसमें टू थिक लेयर्स होती हैं मोटी मोटी सी, जो कि इसको वार्म रखती है। साथ ही साथ एक फैट की लेयर भी होती है जो इसे वार्म करती है, और साथ ही साथ इसके जो हाँ इसके पास वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल अच्छी होती है, जिससे कि अपने प्रे को, शिकार को इजीली ये कैच कर सकता है। ओके और अच्छे खासे क्लॉज इसके होते हैं, लंबे से कर्व्ड होते हैं, मुड़े हुए, जो कि इसको स्नो में चलने में हेल्प करते हैं। ओके तो नाउ हमारा दूसरा अनदर वेल नोन एनिमल लिविंग इन पोलर एरियाज वो है क्या, हमारा पेंगुइन। पेंगुइन तो बचपन से आप बुक्स में देखते हुए आ रहे हैं ना, कितनी प्यारी सी होती है, देखिए कुछ इस तरीके की हो, ये पेंगुइन होती है। तो पेंगुइन हडल टुगेदर, यानी कि एकत्र होना, हडल में, हडल मीन्स एकत्र होना, एक जगह ग्रुप में होती हैं ये। तो चलिए जानते हैं अनदर वेल नोन एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन्स। तो दूसरा वेल नोन एनिमल है जो कि पोलर रीजन्स में रहता है इज द पेंगुइन। तो वो क्या है, पेंगुइन देखिए दिखा रखी है हमें। इट इज़ ऑल्सो वाइट एंड मर्जेस वेल विद द वाइट बैकग्राउंड। तो ये भी वाइट होती है और आराम से वाइट कलर के बैकग्राउंड में खुद को मर्ज कर लेती है। ओके तो बोल रहा है इट ऑल्सो हैज़ अ थिक स्किन। इसकी थिक स्किन होती है, जैसे कि पोलर बेयर की थी ना, वैसे ही इसकी भी थिक स्किन होती है। एंड अ लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड। और साथ ही साथ इसकी बॉडी में भी बहुत सारा फैट होता है और ये फैट इसको क्या करता है, बचाने का काम करता है, किससे, ठंड से। ओके यू मे हैव सीन पिक्चर्स ऑफ पेंगुइन हडल टुगेदर। आपने देखा होगा पेंगुइन के ग्रुप को एक साथ, पिक्चर्स देखी होंगी आपने। तो दिस दे डू टू कीप वॉर्म। और साथ ही साथ ग्रुप में रहने की वजह से भी ये क्या रहते हैं, एक दूसरे को गर्म रखते हैं। जैसे ठंडियों में हम लोग चिपक चिपक के बैठते हैं ना एक दूसरे से, एक दूसरे के पास बैठते हैं, तो उससे क्या होता है, बॉडी की हीट ट्रांसफर होती है एक की बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो गर्मी लगती है, थोड़ा सा गर्माहट आती है ना। वैसे ही पेंगुइन्स करते हैं, क्या करते हैं, ग्रुप में रहते हैं और जिस वजह से इनको ठंडे से ये बचते हैं। ओके
रिकॉल हाउ वार्म यू फील व्हेन यू आर इन अ हॉल फुल ऑफ पीपल. तो याद कीजिए जब ठंडियों में आप एक हॉल में होते हैं जहाँ पे भरे हुए लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो कितनी गर्माहट आपको फील होती है. जबकि एक ठंडे कमरे में या एक उसी हॉल में अगर कोई नहीं होगा तो फिर आपको, आप अकेले होंगे या कम लोग होंगे तो कितना ज़्यादा ठंड आपको फील होगी वो याद कीजिए. तो ऐसे ही पेंगुइन्स भी क्या करती हैं, एक तरीका अपनाती हैं. फैट तो है ही उनकी बॉडी में, फर भी है उनकी बॉडी में, लेकिन और ज़्यादा खुद को वार्म रखने के लिए ये आपस में ग्रुप में एक साथ जाती हैं. जहाँ भी जाना उन्होंने होता है तो एक ग्रुप में ये होती हैं. तो एक ग्रुप का फ़ायदा ये है कि एक सबकी हीट क्या होती है, एक दूसरे की बॉडी में ट्रांसफ़र होती है और एक दूसरे को वार्म रखने का काम ये करते हैं. ओके, नाउ टर्न योर पेज, पेज नंबर 74. देखिए यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई गई है, फीट ऑफ पेंगुइन. पेंगुइन के पैर देखिए, आप देखते हैं आगे क्या बताया जा रहा है हमको. लाइक पोलर बेयर्स, जैसे कि पोलर बेयर्स होते हैं, पेंगुइन्स आर ऑल्सो गुड स्विमर्स. अरे वाह, पेंगुइन्स भी अच्छे तैराक होते हैं ऐसा बताया गया है. यानी कि पानी में अगर रहेंगे तो ये स्विमिंग करेंगे. देयर बॉडीज आर स्ट्रीम लाइन. इनकी बॉडी क्या होती है, स्ट्रीम लाइन. स्ट्रीम लाइन बॉडी कैसी होती है बेटा, जैसे फिश होती है ना, फिश कैसी होती है, आगे और पीछे से तो पतली सी होती है, मीन्स कि उसकी बॉडी का शेप बहुत ज़्यादा वाइड नहीं होता है, लेकिन बीच में क्या होती है, वाइड होती है ना, चौड़ी सी होती है, कुछ इस तरीके की होती है फिश, ऐसे होती है ना, आगे और पीछे पतली और बीच में, बीच वाला जो पार्ट जो होता है वो वाइड होता है. तो ऐसे ही पेंगुइन की बॉडी भी होती है, एक स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है. एंड देयर फीट हैव वेब्स. उनके जो फीट होते हैं वो वेब्ड होते हैं, मतलब कि थोड़ा सा जाल टाइप का जो होता है ना वैसे होते हैं. क्यों होते हैं, मेकिंग देम गुड स्विमर. तो ये इसको हेल्प करते हैं, इनकी स्ट्रीम लाइन बॉडी, इनके वेब्ड फीट जो होते हैं ये इन्हें हेल्प करते हैं कि ये स्विमिंग कर पाएँ, ये तैराकी कर पाएँ. ओके, जैसे कि इसमें दिखाया गया है. अदर एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन्स आर मैनी टाइप्स ऑफ फिशेज. तो ऐसे ही जरूरी नहीं कि, ऐसा नहीं है कि पेंगुइन और जो पोलर बेयर हैं वही पोलर एरियाज में रहते हैं. इनके अलावा भी अदर एनिमल्स होते हैं जो कि पोलर एरियाज में रहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल फिशेज, मस्क ऑक्सन, रेंडियर्स, फॉक्सेस, सील, वेल एंड बर्ड्स. सो रेंडियर्स का मीन क्या होता है बेटा, इसका मीनिंग होता है बारहसिंगा. ठीक है, बारहसिंगा यानी कि रेंडियर, आपने देखा होगा टीवी में, आपने देखा होगा, वैसे नहीं देखा तो, जिसके 12 सींग होती है ना, इसी वजह से इसे बारहसिंगा कहा जाता है. तो ये सब भी यहाँ पे मिलते हैं, पोलर रीजन्स में पाए जाते हैं, ये इजीली एडेप्ट खुद को यहाँ कर लेते हैं. इट इज़ टू बी नोटेड दैट वाइल्ड फिश कैन रिमेन अंडर कोल्ड वाटर फॉर लॉन्ग. तो ये भी याद करने वाली बात है, या ये भी ध्यान देने वाली बात है, नोट करने लायक बात है, कि जो फिश होती है, जो मछली होती है, वो पानी के अंदर बहुत टाइम तक रह सकती है कोल्ड वाटर में. बर्ड्स मस्ट रिमेन को एंड बर्ड मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव. लेकिन जो बर्ड्स होती हैं उनको क्या चाहिए सर्वाइव के लिए, थोड़ा सा गर्म इन्वायरमेंट तो चाहिए ही चाहिए. वो फ्रिज, जो ये फिश होती है उनकी तरह बहुत ठंडे इन्वायरमेंट में, बहुत ठंडे पानी में तो रह नहीं सकती है. तो ये क्या करते हैं ना, दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन देन विंटर सेट्स इन. तो ये क्या करते हैं, जैसे ही विंटर सीजन आने लगता है, जो बर्ड्स होती है ना वो क्या करती है, जैसे ही विंटर सीजन आने लगता है, ठंडियाँ आने लगती हैं, ये माइग्रेट, यानी कि माइग्रेट का मीन्स होता है स्थानांतरण, एक जगह से दूसरी जगह जाना, माइग्रेशन. ठीक है, तो ये अपनी उस जगह को छोड़ के जहाँ पे समर में थी, उस जगह को छोड़ के ऐसी जगहों में जाना स्टार्ट करती हैं जहाँ इनको थोड़ा सा गर्म जगह मिले, जहाँ पे इनको थोड़ा सा वार्म एनवायरनमेंट मिले. ठीक है, दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज ओवर. ये तब घर आ जाते हैं वापस अपने मेन जगह में जब विंटर खत्म हो जाता है, यानी कि जब ठंडियाँ खत्म हो जाती हैं. ठीक है, यू नो प्रोबेबली दैट इंडिया इज वन ऑफ द डेस्टिनेशंस ऑफ मैनी ऑफ दीज बर्ड. तो आपको पता होगा, आपने सुना होगा, न्यूज़ चैनल्स में बताते रहते हैं बेटा कि इतनी सारी माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पहुँच गई हैं, वहाँ पहुँच गई है. तो ये एक अच्छा, मतलब कि इंडिया का क्लाइमेट बहुत अच्छा माना जाता है इन माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, इन
माइग्रेटरी बर्ड्स को इंडिया का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है इस इन्वायरमेंट में रहने के लिए, क्योंकि वो ठंडे रीजन से आ रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा सा क्लाइमेट रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं मानी जाती है काफ़ी हिस्सों में इंडिया के। तो ये क्या करते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ आती है। यू मस्ट हैव सीन और हर्ड अबाउट द साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा कि दैट कम्स फ्रॉम साइबेरिया टू प्लेस लाइक भरतपुर इन राजस्थान एंड सुल्तानपुर इन हरियाणा। हरियाणा का सुल्तानपुर और भरतपुर राजस्थान का, ये बहुत ज़्यादा फेमस जगहें हैं माइग्रेटरी बर्ड के लिए, स्पेशली साइबेरियन क्रेन के लिए। ये माना जाता है कि जो ये साइबेरियन क्रेन है ये साइबेरिया से ट्रैवल करते हुए यहाँ पहुँचता है हरियाणा और राजस्थान में, और यहाँ पे को इसको अपने अकॉर्डिंग जब इन्वायरमेंट मिल जाता है तो यहीं रहता है, और जैसे ही सीजन ओवर होता है फिर वो साइबेरिया वापस चले जाता है। ठीक है, तो एंड सम वेटलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सम अदर पार्ट ऑफ इंडिया। तो सिर्फ राजस्थान और राजस्थान के भरतपुर और हरियाणा के सुल्तानपुर में ही नहीं, बाकी नॉर्थ ईस्ट और अदर पार्ट में भी ऐसे ही कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स, जरूरी नहीं माइग्रेट बर्ड्स ही आती हैं, फिशेज भी माइग्रेट करती हैं। तो ये सभी एनिमल्स क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। जिनको नहीं लगता है कि उस जगह का इन्वायरमेंट अब विंटर के लिए उनके लिए सुटेबल है, तो वो ऐसी जगह में चले जाते हैं जहाँ पर थोड़ी गर्मावट हो, और अगर उन्हें लगता है कि समर के लिए उनके लिए वो जगह सही नहीं है तो वो वापस उसी जगह चले जाते हैं। तो माइग्रेशन ये करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ये जाते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रही है पहेली, डू फिशेज एंड बटरफ्लाइज ऑल्सो माइग्रेट लाइक बर्ड्स। तो क्या बटरफ्लाई और फिश भी माइग्रेट करती हैं जैसे कि बर्ड माइग्रेट करती है। तो चलिए सोचिए, आप भी सोचिए, तब तक हम इस बॉक्स में हमें क्या दिया गया है, डू यू नो, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो देखिए एक डायग्राम आपको दिया गया है, माइग्रेटरी बर्ड इन देअर हैबिटेट एंड माइग्रेटरी बर्ड इन फ्लाइट। देखिए माइग्रेटरी बर्ड है जहाँ की जगह है, जहाँ पे हैबिटेट है, जिस जगह ये रहते हैं, और फिर यही माइग्रेटरी बर्ड अब उड़ना स्टार्ट कर रही हैं, फ्लाइट करना स्टार्ट कर रही हैं दूसरी जगह जाने के लिए। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डू यू नो विच इज़ गिवन इन दिस बॉक्स, ग्रीन कलर बॉक्स। तो सम माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रेवल एज मच एज 15,000 किलोमीटर टू एस्केप द एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन एट होम। कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स ऐसी होती हैं जहाँ उनका प्रॉपर होम है, जहाँ उनका घर है, वहाँ से 15,000 किलोमीटर दूर ये ट्रैवल करते हुए दूसरी जगह में आ जाती हैं, जहाँ पे ये क्या करती हैं, अपने घर के जो एक्सट्रीम वो ठंड वाला जो एरिया है या एक्सट्रीम कंडीशंस जो हैं उनको वो छोड़ आती है। ठीक है, फिर जनरली दे फ्लाई हाई वेयर द विंड फ्लो इज हेल्पफुल एंड द कोल्ड कंडीशन अलाउ देम टू डिस्पर्स द हीट जनरेटेड बाय देयर फ्लाइट मसल्स। तो ये क्या करता है, यहाँ पे क्या होता है, ये बहुत ऊपर ऊपर से क्या करते रहती है, उड़ते हुए ये आती है, और ये क्या कर साथ ही साथ मतलब कि बहुत दूर से ये चली आती है, बहुत लंबी लंबी फ्लाइट को ये पूरा करके आती है, और साथ ही साथ क्या इसके जो और विंड का जो फ्लो होता है वो इसको हेल्प करता है उड़ने के लिए, और साथ ही साथ जो कोल्ड कंडीशंस हैं इसके होम में प्रेजेंट, इसके घर में जो कोल्ड कंडीशन था वो उसे क्या कर देती है, अपने एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अलाउ करती है। और जब ये उड़ते हैं ना विंड की वजह से, इनके जो अलाउ देन डिस्पर्स द हीट को डिस्पर्स फैलाना ये स्टार्ट करते हैं अपनी फ्लाइट मसल्स के थ्रू, यानी कि ठंड भी हो रहा है तो ये उड़ते रहते हैं, इनकी जो फ्लाइट मसल्स होती हैं, फ्लाइट मसल्स मीन्स उड़ने वाली जो मसल्स हैं वो क्या करती हैं, हीट को जनरेट करती हैं। बट हाउ दीज बर्ड्स ट्रैवल टू सम प्लेस आफ्टर एयर आफ्टर एयर इज स्टिल अ मिस्ट्री। लेकिन ये अभी तक भी एक मिस्ट्री, एक रहस्य ही है कि कैसे ये बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह कैसे हर साल साल दर साल ये आते ही रहते हैं, कैसे ये जानते हैं, कैसे इनको पता चलता है कि इसी जगह पे हमने आना है, जैसे कि भरतपुर है ना, कैसे उसको पता चलता है साइबेरियन क्रेन को कि मुझे भरतपुर में आना है, अगले साल फिर वो वहीं आएगा। तो आखिर क्या इनके पास ऐसा होता है, क्या सेंस ऑफ ह्यूमर ये यूज़ करते हैं, ये अभी तक भी मिस्ट्री है। तो ये माना जाता है कि इट सीम्स दैट दीज बर्ड हैव अ बिल्ट इन सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड नो इन विच डायरेक्शन टू ट्रैवल। ऐसा माना गया या ऐसा देखा जाता है कि इन बर्ड्स के पास, इन चिड़ियाओं के पास एक डायरेक्शन के लिए बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, डायरेक्शन के लिए बहुत अच्छा सेंस होता है, जिसको कि ये मार्क करके रखते हैं कि हाँ अगले साल फिर मुझे इसी जगह में आना है, एग्जैक्टली जो उन्हें एग्जैक्टली जो उनको बताता है कि कौन से डायरेक्शन में ट्रैवल करना है। ओके, सम बर्ड प्रोबेबली यूज लैंडमार्क टू
गाइड देम। ऐसा भी माना जाता है कि कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो कि लैंडमार्क को यूज़ करती हैं, लैंडमार्क को अपने दिमाग में रखे रखती हैं ताकि वो उनको हेल्प करें नेक्स्ट टाइम, गाइड करें। मैनी बर्ड मे बी गाइडेड बाई द सन ड्यूरिंग द डे एंड स्टार एट नाइट। तो कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो कि दिन में सनलाइट उनको गाइड करता है कि सन अगर किस साइड जा रहा है उसी साइड वो भी जाएंगी, और ऐसे ही नाइट में जो स्टार्स होते हैं वो उनको हेल्प करते हैं। दिस इज सम एविडेंस दैट बर्ड मे यूज़ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ टू फाइंड डायरेक्शन। ये एक एविडेंस था, ये एक तथ्य देखा गया कि बर्ड शायद मैग्नेटिक फील्ड वाली जो डायरेक्शन है, मतलब कि डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आप जानेंगे आगे, तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आइडिया लगाती हैं और मैग्नेटिक फील्ड से आइडिया लगाती है, चुंबकीय तरंगे या चुंबकीय तत्व इसे कहा जाता है, तो वहाँ से ये आइडिया लगाती है अपनी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। एंड इट इज़ नॉट ओनली बर्ड दैट माइग्रेट। ये सिर्फ बर्ड्स की ही बात नहीं हो रही है कि चिड़िया ही माइग्रेट करेगी या चिड़िया ही एक जगह से दूसरी जगह आ रही है, इसके अलावा भी, अब जरूरी नहीं कि पोलर रीजन में रहने वाले ही माइग्रेट करते हैं, हर रीजन में मोस्ट ऑफ द टाइम जिस जगह पे रहते हैं, जहाँ से भी रह रहे हैं, हर जगह से माइग्रेशन होता ही होता है। अगर किसी को अपने हिसाब से उस एनवायरनमेंट में उस टाइम के लिए, भले समर हो या विंटर हो, उस टाइम के लिए अगर कंडीशन फेवरेबल उसे नहीं लग रही है तो वो उस जगह को छोड़ के चला जाता है और वापस आ जाता है, फिर नेक्स्ट सीजन में वहीं आ जाएगा, लेकिन उस टाइम के लिए, कुछ टेम्प्ररी टाइम के लिए वो छोड़ जाता है। तो बर्ड्स के अलावा कौन कौन होते हैं? बर्ड्स के अलावा होते हैं मैमल्स, जैसे कि मैमल्स में हम लोग भी आते हैं लेकिन अदर एनिमल्स भी आते हैं, ठीक है, डॉग है, कैट है, ये सभी मैमल्स में आते हैं। मैनी टाइप ऑफ फिश, बहुत सारी फिशेज भी होती हैं। देखिए पहेली का आंसर मिल गया, फिश एंड इंसेक्ट्स आर ऑल्सो नोन टू माइग्रेट सीजनली इन सर्च ऑफ मोर हॉस्पिटेबल क्लाइमेट। तो और अच्छा क्लाइमेट ढूंढने के लिए कुछ मैमल्स होती हैं, फिशेज होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, ये क्या करते हैं सीजनली, अगर विंटर जहाँ पे वो रहते हैं, जो उनका पर्टिकुलर होम है, वहाँ पे अगर उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो वो क्या करेंगे, ठंडी वाली जगह में आने की कोशिश करेंगे या ठंडी वाली जगह में खुद को माइग्रेट कर देते हैं, और ठंड उनको बहुत ज़्यादा लगती है तो फिर वो गर्मी वाली जगह में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से माइग्रेशन में होता है। तो पहेली से अभी हम बता सकते हैं ना पहेली को, येस फिशेज एंड बटरफ्लाइज also migrate like birds, है ना? Now here, second one, the tropical rainforests. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की चलिए बात करते हैं। अभी तक हमने किसकी बात करी? पोलर एरियाज की बात करी ना, पोलर रीजन्स की बात करी। तो अब हम बात किसकी करेंगे? द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं। द ट्रॉपिकल रीजन्स हैव जनरली अ हॉट क्लाइमेट। तो ट्रॉपिकल रीजन्स जो होते हैं नॉर्मली गर्म क्लाइमेट इनका रहता है बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर, क्योंकि ये इक्वेटर के आसपास प्रेजेंट रहते हैं। अर्थ का जो इक्वेटर वाला जो पोर्शन है उसके आसपास ये रहते हैं, जहाँ पे वो सनलाइट थोड़ी अच्छी पड़ती है, डायरेक्ट पड़ती है, तो इस वजह से ये ऐसी जगह में रहते हैं। ये जो एरिया होते हैं ये इनको क्या माना जाता है? गर्म एरिया माना जाता है। इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ द टेम्परेचर इज जनरली हायर देन अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस। इन जगहों में पता है कहाँ, बहुत ठंडे वाले महीनों में भी जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाली जो जगह होती हैं कुछ, यहाँ पे टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहता है, इससे कम नहीं होता। और 15 डिग्री सेल्सियस अच्छा टेम्परेचर है ठंडी में, मतलब कि बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ेगी, माइनस से तो कितनी कम पड़ेगी, पॉजिटिव में देखिए। ड्यूरिंग हॉट समर्स, बहुत गर्म जब गर्मियाँ जब पड़ती हैं, बहुत गर्म वाला जो समर जब चलता है, द टेम्परेचर मे क्रॉस 40 डिग्री सेल्सियस। अब ठंडियों में जब इसमें यहाँ होता है तो गर्मियों में तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना, ऑब्वियसली बात है, तो टेम्परेचर क्रॉस कर जाता है 40 डिग्री सेल्सियस को। डेज एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द एयर। यहाँ इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले एरियाज में जो दिन और रात होते हैं नॉर्मली बराबर ही होते हैं, इनकी लेंथ नॉर्मली बराबर ही होती है, जबकि पोलर रीजन्स में हमने क्या देखा था, 6 महीने की सुबह और 6 महीने के दिन और 6 महीने के रात होते हैं, है ना। तो दीज रीजन्स गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। तो इन जगहों में क्या होता है, प्लेंटी ऑफ रेनफॉल मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में, इनफ अमाउंट में रेनफॉल, बारिश होती है। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस रीजन इज़ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो है इस रीजन का वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। अच्छा फीचर, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स। तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं ये वेस्टर्न घाट में मिलते हैं, और असम, इंडिया के असम में ये है, साउथ ईस्ट एशिया में, सेंट्रल अमेरिका में एंड सेंट्रल अफ्रीका में ये देखने को मिलता है, इस तरीके का जो एनवायरनमेंट है, ठीक है। बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस
वार्म एंड रेन, लगातार गर्मी और गर्मी के साथ बारिश जो होते रहती है। दिस रीजन सपोर्ट वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। गर्मी तो पड़ती है लेकिन साथ साथ बारिश भी हो जाती है, तो इस वजह से इन जगहों में अच्छे अमाउंट में प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। बायोडाइवर्सिटी इन जगहों की अच्छी होती है। तो द मेजर टाइप्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट आर मॉन्कीज, एप्स, गोरिल्लास, टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड, लिजार्ड, स्नेक, बर्ड्स एंड इंसेक्ट। तो जो मेजर एनिमल्स हैं, जो बहुत ज़्यादा टाइप में जो एनिमल मिलते हैं इन रेन फॉरेस्ट वाली जगहों में, वो क्या क्या हैं? मॉन्की मिलते हैं, एप्स होते हैं, गोरिल्लास होते हैं, टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड, लिजार्ड, स्नेक, बर्ड, इंसेक्ट, ये सभी कीड़े मकोड़े, ये सभी इन एरिया में मिलते हैं, क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ पे इजीली एडेप्ट कोई भी ऑर्गेनिज्म खुद को कर लेता है। ठीक है, तो लेट अस रीड अबाउट द एडेप्टेशन ऑफ दीज एनिमल्स टू अ हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट। तो चलिए बात करते हैं इन जगहों में रहने ऐसे जगहों में रहने वाले एनिमल्स के, यानी कि हॉट ह्यूमिड और ह्यूमिड क्लाइमेट में रहने वाले एनिमल्स की एडेप्टेशन की बात करते हैं, कैसे वो खुद को वहाँ पे बैलेंस करते हैं, कैसे वो उन जगहों में रह पाते हैं। ठीक है, तो द क्लाइमेटिक कंडीशंस इन रेन फॉरेस्ट आर हाईली सूटेबल फॉर सपोर्टिंग एन इनॉर्मस नंबर एंड अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स। तो जो क्लाइमेटिक कंडीशन है रेन फॉरेस्ट की, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है, ये जो सूटेबल और सपोर्टिंग होता है, इनॉर्मस मीन्स बहुत बहुत नंबर में, और वेराइटी ऑफ एनिमल को वहाँ पर रहने देने के लिए ये सूटेबल होता है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट ये देता है। सिंस द नंबर आर लार्ज, क्योंकि नंबर ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये होते हैं, देयर इज इंटेंस कॉम्पिटिशन फॉर फूड एंड शेल्टर। तो यहाँ पे को क्या होता है, कॉम्पिटिशन, तीव्र, इंटेंस मीन्स होता है तीव्र या बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है एनिमल्स के बीच में खाने और रहने के लिए, क्योंकि ज़्यादा है, जगह कम है, तो यहाँ पे को खाने और रहने के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन एनिमल्स में होता है। मैनी एनिमल्स आर एडेप्टेड टू लिविंग ऑन ट्रीज, जबकि कुछ एनिमल तो ऐसे होते हैं ना कि वो अडेप्ट हो जाते हैं, खुद को ट्रीज में रहने लायक बना देते हैं, या कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो कि ट्रीज में ही रहते हैं, पेड़ में ही वो रहते हैं, पेड़ में ही सो जाते हैं। एंड रेड आई फ्रॉग, जैसे कि एक लाल आंखों वाला मेंढक, फिगर 7.7 देखिए कितना ब्यूटीफुल है ना, रेड आईज है देखिए इसकी, तो रेड आईज फ्रॉग जो होता है हैज डेवलप स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट टू हेल्प इट क्लाइम ट्री ऑन विच इट लिव। तो जो रेड आई वाला जो ये फ्रॉग होता है ना, लाल आंखों वाला जो मेंढक होता है, ये क्या होता है, पेड़ में रहता है, और पेड़ में रहने के लिए पेड़ में चढ़ने की ज़रूरत है, तो जब ये पेड़ में चढ़ता है तो इसके जो पैर होते हैं ना, इसके जो फीट होते हैं, उनमें क्या होता है, एक स्टिकी पैड, चिपचिपे पैड होते हैं इसमें, जो कि इसको हेल्प करते हैं कि ये पेड़ में चढ़ पाए। ठीक है, तो पेड़ में चढ़ने में हेल्प करते हैं जहाँ ये रहता है। टू हेल्प देम लिव ऑन द ट्रीज, तो पेड़ में रहने के लिए जो इसको हेल्प करते हैं कौन होते हैं, टू हेल्प देम लिव ऑन ट्रीज, मॉन्कीज। मॉन्की 7.8 में आपने मॉन्की तो सबने देखा है, देखिए दिखा रखा है, मॉन्कीज हैव लॉन्ग टेल्स फॉर ग्रेस्पिंग ब्रांचेस। तो मॉन्कीज के पास क्या होते हैं, बड़ी लंबी सी टेल होती है, ताकि ये क्या कर सके, ग्रेस्प, बिल्कुल पकड़ सके किसको, और होल्ड करके रख सके पेड़ को। ठीक है, क्योंकि अगर उन्हें नींद आ जाएगी तो फिर वो तो गिर जाएंगे ना, तो उनकी जो टेल होती है, उनकी जो पूंछ होती है, वो उसे बिल्कुल ग्रेस्प जकड़ के रखती है पेड़ को, जिससे कि वो गिरते नहीं है। देयर हैंड्स एंड फीट आर such that they can easily hold on to the branches। इनके हाथ और पैर कुछ इस टाइप से बने हुए रहते हैं कि आराम से, आसानी से क्या कर लेते हैं, ब्रांचेस को होल्ड कर लेते हैं। ठीक है, as there is competition for food, हाँ, जबकि यहाँ पे को क्या है, जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे competition है खाने के लिए, some animals are adapted to get food not easily reachable। तो बहुत सारे animals ऐसे होते हैं ईजीली खाना उनको नहीं मिल पाता है, तो सम एनिमल्स आर अडेप्टेड टू गेट फूड नॉट ईजीली रिचेबल, ईजीली नहीं पहुँच पाते हैं, ईजीली नहीं रिचेबल उनके लिए होता है। अ स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल ऑफ दैट द बर्ड टोकन 7.9 देखिए, ये बर्ड है, कुछ अलग टाइप की बर्ड नहीं नजर आ रही यहाँ पे दिखाई, और लायन टेल मकाक ये है, इसको देखिए फिलहाल, तो बर्ड को इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें क्या कहा जा रहा है, विच पॉजिस अ लॉन्ग लार्ज बीक, इसकी क्या होती है, बड़ी लंबी सी बीक होती है, हमें दिख रही है, देखो कितनी बड़ी चोंच है बेटा, देखिए इतनी बड़ी चोंच वाली कभी चिड़िया देखी है आपने, यहाँ से
यहाँ तक इतनी लंबी चोंच है। तो अब ये इसकी क्या होती है, अब देखो ऐसा होता है ना, खाना तो है कुछ एनिमल के लिए, ऐसा होता है कि जैसे ये यहाँ पे तो है लेकिन खाना यहाँ है, ये नहीं पहुँच पा रही है। तो ऐसे ही टाइप के एनिमल्स के में से एक ये जो बर्ड है, इसकी लंबी सी चोंच होती है, ये इसी जगह में रहेगी, पहुँच नहीं पा रही है, तो इसकी चोंच इसकी बीक यहाँ तक पहुँच जाएगी और वो खाना खा लेगी, है ना। तो वही बोला गया है कि नॉट रीचेबल, बोल रहा है कि एनिमल आर एडेप्टेड टू गेट फूड बट नॉट इजिली रीचेबल, पहुँच नहीं पाते हैं वहाँ पे। तो इसका एग्जाम्पल यही है, विच कॉजेज अ लॉन्ग लार्ज बीक, दिस हेल्प अ टोकन टू रीच द फ्रूट ऑन ब्रांचेज, ये हेल्प करते हैं इस बर्ड को कि ये फ्रूट्स तक पहुँच पाए, जो ब्रांचेज में जो फल लगे हुए हैं वहाँ तक ये पहुँच जाए टहनियों में, विच आर अदरवाइज टू वीक टू सपोर्ट इट्स वेट। तो नहीं तो ये क्या हो जाएंगे, अगर जाने की कोशिश करेगी तो वो जो होगी बहुत वीक होते हैं, इसके वेट को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए वो अपनी चोंच ही इतनी लंबी करती है। जैसे हमें कोई चीज़ चाहिए, अगर मुझे यहाँ से कोई चीज़ चाहिए तो मैं उठ के नहीं जाऊँगी, मैं जैसे मुझे पेन चाहिए तो मैं जाऊँगी और ऐसे पकड़ लूँगी ना हाथ से, हमारे हाथ बड़े होते हैं ताकि हम किस चीज़ को लेके ले सकें, वैसे इसकी क्या होती है, बीक होती है। ओके, नाउ मैनी ट्रॉपिकल एनिमल हैव सेंसिटिव हियरिंग, शार्प आई साइट, थिक स्किन एंड अ स्किन कलर विच हेल्प देम टू कैमोफ्लास बाय ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग्स। तो कुछ ट्रॉपिकल एनिमल ऐसे होते हैं जिनकी सेंसिटिव हेयरिंग होती है, बहुत शार्प आई साइट होती है, मतलब कि दूर से भी वो देख सकते हैं, दूर की चीज़ों को भी देख सकते हैं, पतली सी नहीं थोड़ी सी थिक मोटी मोटी सी स्किन होती है, और एक स्किन कलर इनके पास ऐसा होता है जो कि चेंज कर सकता है इन्वायरमेंट। अगर कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं ना, जैसे लीव है ग्रीन कलर की है तो ग्रीन कलर का ही अपना कलर कर लेते हैं, तो कोई पहचान ही नहीं पाता है कि पत्ती है या कोई इंसेक्ट है या कोई एनिमल है। जैसे कि पोलर बेयर है वाइट, हालांकि वो केमोफ्लाज नहीं होता, उसका कलर ही वैसा है। तो इनके पास केमोफ्लाज मीन्स होता है कलर को चेंज करना या छिपा देना, छिपाने वाला इसे कहा जाता है, अपने सराउंडिंग से ब्लेंड कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं कलर को। दिस इज़ टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रीडेटर, ये क्यों करते हैं, ताकि ये जो इनका कलरिंग है, जो इनकी शार्प आइट साइड है, दूर से देखेंगे तो छुप जाएंगे, हेयरिंग सुनने की अच्छी कैपेबिलिटी है तो दूर से सुनेंगे कि कोई आ रहा है तो छुप जाएंगे, कलर चेंज कर लेंगे, तो ये इसको इनके शिकारियों से इनको बचाता है, इनके प्रीडेटर से, हिंसक जंगली जानवरों से, हिंसक जानवरों से, शिकारियों से बचाने का इसको काम करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बिग कैट्स, जैसे कि बड़ी बड़ी जो बिल्लियाँ होती हैं, जैसे इन्हें लायन और टाइगर्स को रखा जाता है, कैट फैमिली के ही अंदर आते हैं बेटा ये लोग, क्योंकि इनकी ही तरह दिखाई देते हैं। तो हैव थिक स्किन एंड सेंसिटिव हियरिंग, इनकी स्किन थिक होती है और हेयरिंग बड़ी सेंसिटिव होती है, दूर से सुन लेते हैं। और एक आता है द लायन टेल मकाक, ऑल्सो कॉल्ड बियर्ड एप, ये एप होता है, बंदर जैसा ये होता है, लायन की जैसी टेल इसकी होती है, लिव इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट में ये देखने को मिलता है, कुछ इस तरीके का, देखिए ऐसा ये होता है, अफ्रीका में नॉर्मली देखने को ये मिलता है, लंबी सी टेल इसकी होती है, इन इट्स मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर इज अ सिल्वर वाइट मेन, इसकी क्या होती है ना, सिल्वर और वाइट कलर की मेन होती है, मेन मीन्स होता है बहुत ही घने घने बालों वाला, गले के पास ना, इसके इसके गले के पास देखो, ये देखो कैसे गले के पास पूरा बड़े बड़े से हेयर है ना, इसके बाल है ना, बियर्ड है, दाढ़ी जैसी लग रही है, तो ये इंटरेस्टिंग फीचर, देखने में बहुत ही सुंदर टाइप में लगता है, बिल्कुल पूरे घने घने बाल से इसके होते हैं, विच सराउंड द हैड फ्रॉम द चीक्स डाउन टू इट्स चिन, तो देखिए चिन से नीचे है, पूरी सिर के यहाँ से घिर के आया ना, पूरा इस वाले पोर्शन में पूरा रहता है, चिकन चीक चिन के नीचे ये होता है, इट इज़ अ गुड क्लाइंबर एंड स्पेंड अ मेजर पार्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन द ट्री, ये अच्छा क्लाइंबर होता है, इजीली चढ़ जाता है पेड़ों में, तो ये अपनी लाइफ का ज़्यादा पार्ट पेड़ में ही बिताता है, मेजर पार्ट जो होता है पेड़ों में ही ये बिताता है, इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट्स, नॉर्मली फ्रूट्स को ये खाता है जो भी फ्रूट्स से मिल गए, इट ऑल्सो ईट्स शीड, ये शीड बीज भी खाता है, यंग लीव्स भी खाता है, तने भी खाता है, फ्लावर्स भी खाता है, और बर्ड्स को भी ये खाता है, तो ये सारी चीज़ें ये खाता है, वेजिटेरियन यू कैन से, दिस बियर्ड ऐप ऑल्सो सर्च फॉर इंसेक्ट, अच्छा अब नहीं, अब वेजिटेरियन नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि अब ये क्या करता है, दिस बियर्ड ऐप ऑल्सो सर्च फॉर इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स को भी खाता है, कहाँ से, ढूंढने में लगे रहता है, पेड़ों में तो रहता है ना, एक ही तो काम है इसका, क्या करेगा, बार्क जो खाल होती है ना पेड़ों की, उसको ऐसे ऐसे खिसकाते रहता है, उसके अंदर जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स रहते हैं उनको भी क्या कर देता है, ढूंढते रहता है और फिर खा लेता है।
सिंस इट इज़ एबल टू गेट सफिशियंट फूड ऑन द ट्री, जबकि इसको खाना सफिशियंट मिल जाता है, क्योंकि इसको खाना सफिशियंट मीन्स जितना उसे चाहिए, इनफ जितना चाहिए उतना उसे मिल जाता है ट्रीज में. इट रेयरली कम डाउन ऑन ऑन द ग्राउंड, ये नीचे आता ही नहीं है, बहुत कम ऐसा होता है कि ये नीचे उतर रहा है पेड़ से. क्यों उतरेगा, खाना मिल जा रहा है इसको, सोना वहीं है, सारी चीज़ें इसने पेड़ में ही करनी है, तो हो गया. नीचे क्यों, नॉर्मली जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाते क्यों हैं, अपने खाने के लिए, खाने की सर्च के लिए. खाना इनको मिल जा रहा है, इसको मिल जा रहा है पेड़ में ही, तो ये क्यों जाए, है ना, इतनी मेहनत ये क्यों करे, तो इसलिए ये पेड़ में ही रहता है. बहुत कम ऐसा होता है कि ये पेड़ से नीचे भी आता हो, है ना. तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अनदर वेल नोन एनिमल ऑफ इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज द एनिमल, सॉरी एलिफेंट. एलिफेंट मीन्स हाथी. हाथी एक दूसरा वेल नोन इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एनिमल है. ये इसमें आपको दिखाया गया है फिगर 7.11, एंड इंडियन एलिफेंट ये है. तो इट हैज़ एडेप्टेड टू द कंडीशंस ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मैनी रिमार्केबल वेज, तो ये एडेप्टेड है बहुत ज़्यादा रिमार्केबल वेज में, बहुत ज़्यादा रिमार्केबल तरीक़ों में हमारे रेन फॉरेस्ट में. लुक एट इट्स ट्रंक, इसके ट्रंक को देखिए, देखिए ट्रंक्स को इसके देखिए, कैसे ट्रंक इसका है. इट यूजेज इट एज नोज, ये जो ये वाला पोर्शन है ना, ये इसका ट्रंक है, तो इसकी नोज की तरह ये यूज़ करता है इस पोर्शन को, ये अपनी नाक की तरह ये यूज़ करता है. बिकॉज ऑफ विच इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, क्योंकि इसी से इसको स्मेल मिलती है, स्मेल मिलती है तो इसको नोज की तरह यूज़ कर लेता है. ओके, द ट्रंक इज ऑल्सो यूज बाय इट फॉर पिकिंग अ फूड, ये ट्रंक इसको किस में भी हेल्प करती है, खाने को पकड़ने के लिए भी हेल्प करती है. अब हाथ तो ऊपर से उठा के नहीं ला सक, नीचे से ऊपर उठा के नहीं ला सकता ना, तो ये ट्रंक से. आपने देखा होगा बेटा एलिफेंट तो दिखाते रहते हैं ना टीवी में, देखा होगा बहुत सारे बच्चों ने, रियल में भी देखा होगा कैसे वो गन्ना गन्ना पकड़ता हुआ, तो हमेशा दिखाते हैं ना किसी किसी मतलब पिक्चर्स में, अगर आप देखेंगे ना बुक्स में, अगर पिक्चर्स होगी किसी भी बुक में अगर होगी ना छोटे बच्चों की, तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर जो एलिफेंट होता है ना वो नॉर्मली कैसे दिखाई देता है, ऐसे उसने अपनी ट्रंक मोड़ी होगी और बीच में उसने गन्ना सुगर केन डाला होगा, है ना. तो मैंने तो ऑलमोस्ट ऐसे ही पिक्चर देखी है एलिफेंट की, जहाँ पे को उसने बीच में से गन्ना फंसा रखा है और वो गन्ने को पकड़ने की कोशिश, पकड़ उसने रखा है ना. तो ये ट्रंक उसको क्या करती है, बिल्कुल हाथ जैसा ही फील देती है, उठा के खाने को उसके मुंह में डालने में से हेल्प करती है. मोरे वो इट्स स्ट्रॉन्ग आर टस्क आर मॉडिफाइड टीथ, तो इसके टस्क होते हैं ना, ये वाला जो पोर्शन है ये मॉडिफाइड टीथ होते हैं, ठीक है, टीथ मॉडिफाई होकर टस्क हो जाते हैं. दीज कैन टेयर द बार्क ऑफ ट्री दैट एलिफेंट लव्स टू ईट, तो ये क्या करता है, ये जो इसके टस्क हैं, जो इसके बड़े बड़े जो टीथ होते हैं, ये क्या कर देते हैं ना, टेयर मीन्स तोड़ना या फाड़ना, तो जो ट्री बार्क जो होती है उसे तोड़ने में इसको हेल्प करते हैं, जो कि एलिफेंट का फेवरेट फूड होता है, ठीक है, बार्क को, ट्रीज की बार्क. तो सो द एलिफेंट इज एबल टू हैंडल द कॉम्पिटिशन फॉर फूड, तो एलिफेंट के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हैंडल कर लेता है फूड का जो कॉम्पिटिशन है रेदर वेल, बहुत अच्छे तरीके से ये हैंडल कर लेता है, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. लार्ज ईयर्स, बड़े बड़े कान होते हैं एलिफेंट के, देखिए कितने बड़े बड़े कान है ना. लार्ज ईयर्स ऑफ द एलिफेंट हेल्प इट टू हेयर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड, ये बहुत सॉफ्ट साउंड, बहुत हल्की साउंड्स को भी सुन लेता है बड़े बड़े कानों से. दे ऑल्सो हेल्प द एलिमेंट टू कीप कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट, तो ये जो इसके एयर्स होते हैं ना, ये जो इसके कान होते हैं, वो इसको क्या करते हैं, बहुत गर्मी और ह्यूमिड उमस उमस वाले जो क्लाइमेट होता है, नमी वाला जो क्लाइमेट होता है, उसमें भी इसको सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं, इसको ठंडा रखने में इसको हेल्प करते हैं, ठीक है. तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर कंप्लीट हुआ. चैप्टर कौन सा था, चैप्टर नंबर 7. 7 में हमने क्या जाना, एट वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट. तो पहले तो हमने जाना अलग अलग जगह का टेम्परेचर अलग अलग होता है, फिर हमने जाना कि कैसे पोलर रीजन में किस किस टाइप के एनिमल्स होते हैं, कौन कौन से एनिमल वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं, और ऐसे ही हमने जाना कि पोलर रीजन में अलग टाइप के होते हैं, उनका एडेप्टेशन अलग है रहने वाले एनिमल्स का, और ऐसे ही कुछ बर्ड्स होती हैं जो कि माइग्रेट करती है. फिर आगे जाके हमें पता चला कि सिर्फ बर्ड्स ही नहीं, कुछ फिशेज भी होती हैं, कुछ इंसेक्ट्स भी होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अपने लिए सूटेबल एनवायरनमेंट की तलाश में. उसके बाद ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की हमने बात करी थी जब, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी हमने देखा कि अलग अलग टाइप के एनिमल्स खुद को एडेप्ट करते हैं अलग अलग जगहों में. ओके, तो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हुआ. लेट्स सी व्हाट यू हैव लर्न इन दिस चैप्टर. तो लेट्स स्टार्ट समरी ऑफ द चैप्टर.
द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफियर एट अ प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर ह्यूमिडिटी रेनफॉल विंड स्पीड एक्सेट्रा इज कॉल्ड अ वेदर एट दैट प्लेस। तो वेदर की अगर हम डिफाइन करें, अगर हम वेदर की बात करते हैं तो वेदर डे टू डे कंडीशन हर एक जगह की, किसी भी जगह के एटमोसफियर की जो दिन प्रतिदिन, यानी कि एक दिन दूसरे दिन, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो 7ों दिन की जो एटमोसफेयरिक जो कंडीशन है उनके टेम्परेचर के बेसिस पे, उसकी ह्यूमिडिटी के बेसिस पे, रेनफॉल के बेसिस पे, हवा की स्पीड के बेसिस पे जो होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, वेदर बोल देते हैं। मतलब कि कितना गर्म है, कितना ठंडा है, कितनी बारिश हो रही है, यही यही तो बोलते हैं ना, आज मौसम गर्म है, आज मौसम ठंडा है, आज मौसम खराब हो रखा है, बारिश आने वाली, यही तो बोलते हैं, मौसम ही तो बोलते हैं। तो किस बेसिस पे बोलते हैं, टेम्परेचर के बेसिस पे बोलते हैं, ठंडा या गर्म, ह्यूमिडिटी, उमस है बोलते हैं ना, आज मौसम में बहुत ज़्यादा उमस है, ह्यूमिडिटी के बेसिस पे बोलते हैं, बारिश है तो बारिश के बेसिस, मौसम खराब है बारिश के बेसिस, बहुत हवा चल रही है मौसम खराब है, ऐसे ही तो बोलते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, वेदर। ओके, नाउ द वेदर इज जनरली नॉट द सेम ऑन एनी टू डेज एंड वीक आफ्टर वीक। तो ऐसा नहीं होता है कभी भी, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है कि 2 दिन का टेम्परेचर एग्जैक्ट सेम हो, या एक हफ्ते में पूरा टेम्परेचर सेम हो, या इस हफ्ते का जो टेम्परेचर है, या इस हफ्ते का जो सॉरी टेम्परेचर नहीं, इस हफ्ते का जो मौसम है वो वैसा ही मौसम अगले हफ्ते भी हो। हर दिन, हर हर घंटे में भी मौसम चेंज हो जाता है ना कभी कभी, तो ये चेंज होते ही रहता है। ओके, तो द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर्स जनरली इन द आफ्टरनून। तो दिन का, पूरे दिन का जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वाला जो टाइम होता है वो दिन के टाइम पे होता है, आफ्टरनून के टाइम पे, दोपहर में ये होता है। वाइल द मिनिमम टेम्परेचर अकर इन द अर्ली मॉर्निंग, जबकि ठंडा ठंडा टेम्परेचर जो होता है, जो सबसे ज़्यादा ठंड जो होती है वो सुबह के टाइम पे होती है, भले आप गर्मियों की बात करो, भले आप ठंडियों की बात करो। ओके, द टाइम्स ऑफ सनराइज और सनसेट ऑल्सो चेंज ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल भर में जो टाइम होता है सनराइज होने का, सनसेट होने का, ये भी चेंज होता है। जैसे आपने देखा होगा कि ठंडियों में क्या होता है, बहुत लेट धूप आती है, या ठंडियों में बहुत लेट सनराइज होता है ना, जबकि गर्मियों में आप सोए ही रहते होंगे, बड़ी जल्दी से सनराइज हो जाते हैं, है ना। और ऐसे ही ठंडियों के टाइम पे आपने देखा होगा कितनी जल्दी अंधेरा हो जाता है, आप खेलने निकले ही होते हैं थोड़ी देर बाद 5 5:30 के टाइम पे, यहाँ पे तो हो ही जाता है अंधेरा 5:30 6 बजे, है ना, शाम को इवनिंग में। तो लेकिन गर्मियों में आजकल आप देख रहे हैं 7 बजे तक भी अंधेरा नहीं हो रहा है, है ना। तो कितना चेंज आ जाता है सनराइज और सनसेट में। ऑल द चेंजेस इन द वेदर आर ड्राइवन बाय द सन। तो ये सारे चेंजेस कौन लेके आता है, किसकी वजह से होते हैं, सन की वजह से। और क्यों होता है ये हमने पढ़ लिया, है ना। द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स। तो हम किसी भी जगह की, जैसे मैंने कहा कि मुंबई एक ऐसी जगह है जहाँ पे ना ठंडा होता है ना गर्म होता है, मतलब एक अच्छा इन्वायरमेंट वहाँ पे होता है, तो वो हम किस बेसिस पे बोलेंगे, पिछले 25 सालों का टेम्परेचर, पिछले 25 सालों की ह्यूमिडिटी, पिछले 25 सालों का जो रेनफॉल पैटर्न है उसको हम देखेंगे, उसके बाद हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हाँ इस जगह का एनवायरनमेंट ऐसा है। इसीलिए एवरेज 25 साल का एक टाइम होता है, उस पर देखा जाता है और उसे बताया जाता है, इस कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। तो उसी जगह को क्लाइमेट, मतलब किस हिसाब का मौसम वहाँ रहता है, उस हिसाब से उसे आइडेंटिफाई किया जाता है। द ट्रॉपिकल एंड द पोलर रीजन आर द टू रीजन ऑफ द अर्थ। अर्थ के 2 रीजन होते हैं, एक ट्रॉपिकल रीजन और एक पोलर रीजन, विच हैव सेवरल क्लाइमेटिक कंडीशन, जहाँ पे अलग अलग टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं। ओके, एनिमल्स आर एडेप्टेड टू द कंडीशन इन विच दे लीव। तो जहाँ पे कोई भी एनिमल जिस जगह पे रहता है उसी जगह के हिसाब से वो खुद को एडेप्ट करता है, या उसकी बॉडी उसी एनवायरनमेंट के लायक होती है, उसी एनवायरनमेंट में वो बनी रहती है, उसी एनवायरनमेंट के लिए वो बनी रहती है, उसी के लिए वो एडेप्टेड रहते हैं, ठीक है। अगर उनको उस जगह से दूसरी जगह हम निकाल दें तो हो सकता है कि वो दूसरी जगह पे सर्वाइव ना कर पाए। जैसे पोलर बियर को देख के अगर आप कहें कि इसे यहाँ बहुत ठंड होती होगी, कितना प्यारा सा है, कितना क्यूट सा है, चलो ऐसा करते हैं दूसरी जगह इसको लेके जाते हैं जहाँ पे गर्मी हो, तो वहाँ वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, वहाँ उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि उसकी बॉडी वैसी बनी ही नहीं है, उसकी बॉडी ऐसी ही बनी है कि वो ठंडी जगह ही रह सकता है। अगर गर्मी वाली जगह में उसको लेके गए ना, एक तो उसकी बॉडी में 2 लेयर है, फर की और फैट लेयर है, वो उसे उसकी बॉडी ही इतनी हीट जनरेट कर देगी ना कि उसको, और बाहर का एनवायरमेंट की गर्मी अलग अगर दूसरी जगह लेके जा रहे हैं तो उसकी
उसकी वहीं ऐसे ही डेथ हो जाएगी। तो बहुत सारे एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स, जैसे हम लोग हैं, हम लोग इसी टाइप के एनवायरमेंट में रह सकते हैं। हम पोलर बियर के साथ नहीं रह सकते बेटा, हम वहां जाएंगे तो हमारी भी डेथ हो जाएगी, हम लोग भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हमारी बॉडी नहीं बनी है, हमारी बॉडी में फर है क्या? नहीं है ना हमारी बॉडी में फर। हमारी बॉडी में छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो कि हमें बस इतने ही टेम्परेचर से बचा सकते हैं, संडे से ही बचा सकते हैं। ऐसे कोई फर नहीं होते हैं कि हमें बचा सके, ऐसी कोई फैट क्लियर नहीं होती है कि, हालांकि फैट होता है बॉडी में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो हमें उससे बचाए, ठीक है। तो इसलिए हमारी बॉडी इसी एरिया के लिए बनी हुई है, ऐसी जगहों के लिए बनी हुई है, ना कि स्नो वाली जगह के लिए। तो हर एक एनिमल क्या रहता है, उसकी अपनी अपनी कंडीशंस होती हैं जहां वो रह रहा है उस जगह की एडेप्टेशन के लिए, ठीक है। द पोलर रीजन्स आर वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर जो पोलर रीजन्स होते हैं बहुत ठंड यहाँ पड़ती है। द सन डज नॉट सेट फॉर 6 मंथ इन अ ईयर एंड इन द अदर 6 मंथ इट डज नॉट राइज। तो 6 महीने सूरज डूबता नहीं है, फिर अगले 6 महीने के लिए सूरज आता नहीं है, मतलब कि 6 महीने के दिन और 6 महीने के रात यहाँ देखने को मिलते हैं। एनिमल्स इन द पोलर रीजन आर एडेप्टेड टू द एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट बाय हैविंग सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो एनिमल्स होते हैं जो पोलर रीजन में रहते हैं, उनकी बॉडी एक एक्सट्रीमली बहुत ही ज़्यादा ठंडे क्लाइमेट में रहने के लिए एडेप्टेड होती है, अनुकूलित होती है। एडेप्टेड मीन्स अनुकूलित होना, अनुकूलित होती है कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स के साथ। जैसे वो कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, वाइट फर उनके पास होते हैं, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, बहुत तेज स्मॉल सेंस ऑफ स्मेल होती है ताकि वो इजीली कैच कर सकें, क्योंकि बर्फ के नीचे कहाँ कहाँ ढूंढते फिरेंगे, तो जैसे एक स्मेल आती है वैसे वहां पे जाके उसे मार देते हैं। अ लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, स्किन के अंडर एक लेयर होती है फैट की। वाइड एंड लार्ज पॉज, पंजे बहुत बड़े और चौड़े फॉर स्विमिंग एंड वॉकिंग, चलने के लिए और स्विमिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें उनको अनुकूलित करती हैं, उस जगह में रहने लायक उन्हें बनाती है, उस जगह की एनवायरमेंटल कंडीशन में उनको सर्वाइव करने लायक ये बनाती है, ठीक है। माइग्रेशन इज अनदर मीन्स टू एस्केप द हार्श ओल्ड कंडीशन। तो जो माइग्रेशन है वो भी क्या करता है, इस ठंडे कंडीशन को से बचने का एक तरीका है कि अपनी जगह छोड़ के, अगर जो एनिमल्स हैं जो इस ठंडे, मतलब विंटर में नहीं रह पा रहे हैं, ठंडे में और ज़्यादा ठंड पड़ जाती होगी ना, तो अगर वो इस एनवायरमेंट में नहीं रह पा रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छा उपाय, अच्छा ईजी आइडिया उनका ये रहता है कि हम इस जगह को छोड़ के चले जाते हैं और जैसे ही गर्मी का सीजन होगा वैसे ही हम वापस आ जाएंगे। तो वो ऐसा ही करते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ द हॉस्पिटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, मतलब कि अकॉर्डिंगली जो उनका हॉस्पिटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन मीन्स उनके अकॉर्डिंग जो क्लाइमेटिक कंडीशन होगा, ह्यूज पॉपुलेशंस ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो बहुत अच्छे या नॉर्मल क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से ये जो होते हैं, मतलब नॉर्मल हॉस्पिटेबल का मीनिंग अगर मैं आपको बताऊँ तो, मतलब ऐसा कि बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं। अगर गर्मी हो रही है, गर्मी वाला इलाका है, तो बारिश भी हो जा रही है, पानी भी मिल रहा है, खाने के लिए फूड भी मिल रहा है, रहने के लिए जगह भी है। तो इस तरीके की जो कंडीशंस है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, इस वजह से ह्यूज पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्लांट और एनिमल जो मिलते हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही मिलते हैं, यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले एरियाज में ही देखने को मिलते हैं, जहाँ अच्छी खासी वेराइटी है प्लांट्स की, अच्छी खासी वेराइटी है एनिमल्स की, ठीक है। एनिमल्स इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर एडेप्टेड सच दैट दे ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड टू ओवरकम द कॉम्पिटिशन फॉर फूड एंड सेल्टर। अब इन जगहों में, अब ठीक है, रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अच्छा इन्वायरमेंट तो दे रहा है, अच्छी जगह तो दे रहा है रहने के लिए, लेकिन ये एनिमल और जो प्लांट है, अच्छी जगह होने की वजह से इनका नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब नंबर बहुत ज़्यादा है तो रहने के लिए जगह कम हो जाएगी, खाने के लिए फूड कम हो जाएगा। तो इन जगहों में रहने वाले जो एनिमल है ना, वो खुद को किस इस तरीके से अनुकूलित करते हैं कि वो कॉम्पिटिशन करते हैं, एक दूसरे से कम्पीट करते हैं, लड़ते हैं, या क्या लड़ना भी हो सकता है, एनिमल्स तो लड़ते ही हैं, और साथ ही साथ बिल्कुल क्या कर देते हैं, खुद को इस तरीके से अडेप्ट करते हैं कि उनको ही खाना मिले, उनको ही जगह, मतलब एक अच्छे तरीके से वेल मैनर्ड बॉडी होती है, पहले से तैयार बॉडी रहती है इनकी कि हाँ हमने बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अगर हमें रहने के लिए जगह चाहिए, हमें खाने के लिए खाना चाहिए, तो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। उनकी बॉडी उसी मेहनत के लिए बनी रहती है, उसी मेहनत के अकॉर्डिंग उनकी बॉडी बनी रहती है। तो वही बोल रहा है, एनिमल्स इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर एडेप्टेड सच दैट दे ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, और ऐसा नहीं कि वो एक ही टाइप का फूड खाएंगे, वो अलग अलग टाइप का फूड खाने के लिए उनकी बॉडी बनी हुई रहती है, ताकि वो ओवरकम कर सके कॉम्पिटिशन फॉर फूड एंड शेल्टर।
रहने के लिए और खाने के लिए जो कंपटीशन हो रहा है उससे वो उभर सकें या उससे वो बाहर निकल सकें। ठीक है, तो बोला सम एडेप्टेशन ऑफ एनिमल लिविंग इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो कुछ एडेप्टेशन ऐसी हैं जो कि एनिमल्स की जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं, वो इंक्लूड करता है क्या क्या। एक तो अगर ज़मीन में जगह नहीं मिल रही है, ज़मीन में बहुत सारे एनिमल हैं, आपके प्रीडेटर भी आपको मिल जाएंगे, तो आप क्या कर दीजिए, पेड़ में रहना सीख लीजिए। तो कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो कि पेड़ों में रहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग टेल्स, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनकी टेल बहुत स्ट्रांग होती है, वो उनको अडेप्ट करती है उस जगह में रहने के लिए। ऐसे ही लॉन्ग एंड लार्ज बीक, बहुत लंबी और बड़ी सी चोंच, ब्राइट कलर, बहुत ब्राइट कलर, शार्प पैटर्न, पैटर्न बहुत शार्प, लाउड, बहुत जोर जोर की आवाज़, डाइट ऑफ फ्रूट्स, खाने में वो फ्रूट्स खाएंगे, सेंसिटिव हेयरिंग होती है, बहुत मतलब कि छोटे में ही सुन लेना, बहुत थोड़े में, जैसे कि एलिफेंट है, सेंसिटिव हेयरिंग होती है, बहुत जल्दी सुन लेता है, शार्प आई साइट, बहुत दूर से भी चीज़ों को देख लेना, मोटी सी स्किन, थिक स्किन, एबिलिटी टू कैमोफ्लाज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम प्रेडेटर एक्सेट्रा। तो एबिलिटी खुद के कलर को चेंज करने की है, चेंज करना मतलब अपने इन्वायरमेंट का जैसा कलर बनाने की एबिलिटी, जिससे कि खुद को वो अपने प्रेडेटर से, अपने शिकारियों से जो उनका शिकार करते हैं उनसे वो खुद को बचा सके। मतलब कहने का मतलब ये है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पे को अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाता है प्लांट और एनिमल को, कि वो उस जगह पे सरवाइव कर पाएंगे या उस जगह पे सरवाइव वो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि कंडीशंस अच्छी हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस अच्छी हैं, तो इस जगह पे जो प्लांट और एनिमल रहते हैं उनका नंबर ज़्यादा है, और नंबर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो एनिमल्स हैं उनको रहने के लिए और खाने की दिक्कत होती है। तो उनकी बॉडी कुछ इसी तरीके से अडेप्ट है कि वो ईजिली अपने लिए खाना बना पाएँ, ईजिली अपने रहने के लिए जगह ढूंढ पाएँ। तो इस चीज़ के लिए वो एनिमल ने क्या कर दिया, पेड़ों में रहना सीख लिया, फ्रूट्स खाने सीख लिए, या फ्रूट्स अगर नहीं मिल रहा है तो उसकी जगह कुछ और खाना उन्होंने सीख लिया। लंबी सी टेल उनके पास है, अगर खाने तक नहीं पहुंच पा रहे तो उनकी बॉडी ने उनको कुछ इस तरीके से डिजाइन किया कि लंबी सी चोंच दे दी जिससे कि उनके वेट की वजह से बाकी की ब्रांचेस टूट ना जाए। तो बहुत सारे एडेप्टेशन है। अब ये सिर्फ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की ही बात नहीं है, ये उन सारी जगहों की बात है जहां जहां कोई भी एनिमल रहता है, कोई भी प्लांट, जिस भी जगह में कोई भी प्लांट हो या कोई भी एनिमल हो, अगर वो किसी जगह सर्वाइव कर पा रहा है, सर्वाइव करना मीन्स रह पा रहा है, अगर किसी जगह वो अपना फूड ले पा रहा है, उस पर्टिकुलर एरिया में वो रह पा रहा है, सालों साल वो रह पा रहा है, इट मीन्स कि उसकी बॉडी कुछ इसी तरीके से नेचर ने बनाई गई है, नेचर में उसकी बॉडी कुछ इसी तरीके से डिराइव की गई है कि वो उसी पर्टिकुलर एरिया में रह सकता। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले कभी भी पोलर एरियाज में नहीं रह सकते, और पोलर एरियाज वाले कभी भी ट्रॉपिकल एरियाज में नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो यही था हमारा एडेप्टेशन टू क्लाइमेट, जो कैसे एनिमल एडेप्ट रहते हैं अपने क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए, अपने क्लाइमेट में कैसे एडेप्ट रहते हैं, ये हमने पढ़ा। हमने टेम्परेचर की बात करी, अलग अलग जगह में टेम्परेचर होता है, हमने वेदर, मौसम की बात करी, हमने क्लाइमेट की बात करी, हमने एडेप्टेशन की बात करी। तो इस चैप्टर ने हमें काफ़ी कुछ सिखाया, बहुत सारे एनिमल्स के बारे में हमें बताया, अलग अलग जगह के टेम्परेचर के बारे में इस चैप्टर ने हमें बताया। तो उसके साथ ही हमारा चैप्टर हुआ कम्प्लीट। इसके क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग बेटा हम बाद में करेंगे और जब सारे चैप्टर्स हो जाएंगे। तो अगला चैप्टर जो हमारा होगा चैप्टर नंबर 8, विंड स्ट्रोम एंड साइक्लोन्स के बारे में हम जानेंगे। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट विथ लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज हम ये पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप हवाओं के बारे में जानेंगे, आप तूफान के बारे में जानेंगे, आप सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे जानने वाले हैं, और बहुत अच्छा और नॉलेजेबल ये चैप्टर आपका होने वाला है। तो तब तक के लिए आपने क्या करना है बेटा, 7th वाले चैप्टर को रिवाइज कीजिए, पढ़िए, और फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हमारा 8th चैप्टर। ओके, तो के लिए हैव ए नाइस डे।